नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतनसेन भारती। आज बिहार में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। रुझान आने शुरू हो गए, सुबह 8 बजे से रुझान आ रहे हैं। अब तक कई बड़े अपडेट आए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से अपडेट अब तक रहे। अब तक के अपडेट में एनडीए के लिए बुरी खबर है। एनडीए इससे पिछली बार अगर लोकसभा की बात करें, सभी जगह पे बीजेपी या जदयू के प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और वो जीते भी थे। इस बार के अपडेट में देखें तो एनडीए को बहुत बड़ा झटका लगता नज़र आ रहा है। अगर हम बात सबसे पहले लोकसभा समस्तीपुर की करें तो यहाँ से प्रिंस राज अभी भी 40 से 50 हज़ार वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम विधानसभा की बात करें तो बात करेंगे किशनगंज विधानसभा की, जहाँ से अभी AIMIM की उम्मीदवार कमरुल होदा है। कमरुल होदा 20 हज़ार वोटों से आगे चल रही है। कमरुल होदा स्वीटी सिंह को पीछे छोड़ी है। अब से शुरुआती रुझानों में अगर हम देखें तो स्वीटी सिंह लगातार आगे चल रही थी, मगर जैसे जैसे रुझान आगे बढ़ते गए कमरुल होदा आगे आ गई। इसके बाद हम बात करें तो सिमरी बख्तियारपुर की। सिमरी बख्तियारपुर से अभी राजद के उम्मीदवार जफर आलम 4 हज़ार वोटों से आगे हैं। सिमरी बख्तियारपुर का भी अगर चुनावी रुझान देखें तो शुरुआत में जैसे ही काउंटिंग खुली थी, वोटिंग के गिनती शुरू हुई थी तो सबसे पहले VIP के उम्मीदवार आगे चल रहे थे। उसके बाद लंबे समय तक जदयू के उम्मीदवार आगे चले। अभी जो स्थिति है उसमें जफर आलम 4 हज़ार वोटों से आगे चल रहे हैं और जदयू के उम्मीदवार इसमें पीछे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेलहर विधानसभा की। बेलहर विधानसभा में राजद के उम्मीदवार राजदेव यादव आगे चल रहे हैं। ये 12 हज़ार वोटों से आगे चल रहे हैं। राजदेव यादव अगर हम इनके शुरुआती रुझानों को देखें तो शुरुआत से ही इनकी बढ़त थी। 1 हज़ार वोटों से इन्होंने शुरू में बढ़त बनाया, उसके बाद अभी लगातार 12 हज़ार वोटों से ये आगे चल रहे हैं। ये जदयू के लालधारी यादव को पीछे छोड़े हैं। यहाँ पे यादवों का टक्कर, मतलब जो बताया जा रहा था चुनावी विश्लेषकों के द्वारा कि हाँ यादवों का टक्कर दिखेगा, और इसमें RJD ने बाजी मार ली। इसके बाद दरौंदा विधानसभा की बात करते हैं तो यहाँ से कर्ण सिंह जो BJP के बागी उपाध्यक्ष थे, वहाँ पे जिला उपाध्यक्ष थे, वो आगे चल रहे हैं। करीब 12 हज़ार वोटों से ये आगे चल रहे हैं और इनको बारे में कहा जा रहा था कि ये BJP की वोट काट सकते हैं, BJP के वोटरों को अपनी तरफ लुभा सकते हैं। जैसा कि चुनाव परिणाम अभी आ रहे हैं उसमें ये दिखता भी नज़र आ रहा है कि ये आगे बढ़ रहे हैं और इनकी जीत भी आगे हो सकती है। आगे अगला विधानसभा जो है वो है नाथनगर। नाथनगर में जदयू के लक्ष्मीकांत मंडल आगे चल रहे हैं। लक्ष्मीकांत मंडल के अगर हम रुझानों को देखें, शुरुआत से ही जब बैलेट पेपर खुला था तो सबसे पहले इनको आगे बढ़त दिखाया गया था और अभी तक में ये 7244 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो अब तक के रुझान ये रहे जिसमें हमने देखा NDA यहाँ पे मात खाती नज़र आ रही है। समस्तीपुर सीट से रामचंद्र पासवान की सीट रही थी जिस पे प्रिंस राज भी चुनाव लड़ रहे हैं। किशनगंज में भी ये सीट BJP के खाते में रही थी जो अभी AIMI के पास में जाती दिख रही है। सिमरी बख्तियारपुर में ये सीट जदयू के पास थी जो अब राजद के पास जाती दिख रही है। बेलहर की सीट भी जदयू के पास थी जो अब राजद के पास जाती दिख रही है। दरौंदा की सीट जो थी ये BJP के पास थी जो अब निर्दलीय प्रत्याशी हैं कर्ण सिंह के पास जाती दिख रही है। नाथनगर की सीट जदयू की थी पहले से ही, अभी भी जदयू इस पर काबिज है। तो आगे के अपडेट के लिए अब बने रहें, देखते रहें बिहारी न्यूज़। थैंक यू।